हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केस एंड टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 3 क्रूजर बाइकों के बारे में। इन तीनों बाइकों में से दोस्तों आपको एक से दो बाइकें 2021 के एंड में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है, बाकी जो तीसरी बाइक होगी वो आपको 2022 के स्टार्टिंग में या फिर मिड तक लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी अपनी इंडियन मार्केट में। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इन बाइकों के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं, तो अगर आप ही आने वाले टाइम में किसी भी न्यू बाइक को परचेस करने वाले हो तो आप दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको इन तीनों ही बाइकों के प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में और लॉन्च डेट के बारे में बताने वाला हूं। तो पूरी डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक, जो कि आपको 650 सीसी कैटेगरी में देखने को मिलेगी। और इस बाइक को फिलहाल में ही पूरी तरह से सपोर्ट करा गया है टेस्ट राइडिंग के दौरान, और ये आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगी अपने इंडियन मार्केट में। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं सुपर मेटियोर 650 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बाइक के डिजाइन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हो कि बाइक में आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे, जैसा कि रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइकों में आपको देखने को मिलते हैं जो 650 सीसी कैटेगरी में आती है। और इसके साथ साथ आपको बाइक के साइड इंडिकेटर में और टेल लाइट में एलईडी लाइट्स का काम देखने को मिलेगा। और आप इस फोटो में देख ही सकते हो कि बाइक का फ्यूल टैंक काफी ज्यादा वाइड होने वाला है, और बाइक का जो राइडिंग पोस्चर होगा वो भी आपको अपराइट देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है कि बाइक में आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा जो इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल में यूज किया जाता है। वो इंजन दोस्तों 47 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा इस बाइक के साथ, और इस पावर के साथ ये बाइक 160 से 170 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। बाकी पार्ट्स की बात करें तो आपको जो बाइक में डिस्क ब्रेक है उसका साइज भी काफी बड़ा देखने को मिलेगा, और इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल की तरह इस बाइक में भी सभी प्रीमियम पार्ट का यूज किया जाएगा, जिससे इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कंपेयर में बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों के। बाकी बाइक के लॉन्च की बात करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस बाइक को 1 से 2 महीनों के अंदर लॉन्च हो जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल में ही इस बाइक को पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया गया है। और इस बाइक के साथ साथ आपको 100/350 भी लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर रॉयल एनफील्ड इस बाइक को अभी लॉन्च नहीं करती है तो ये बाइक आपको 2022 के स्टार्टिंग में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों बात करें बाइक के प्राइस की, तो इस बाइक का प्राइस रहेगा 3 लाख से 3 लाख 30 हजार के एक्शन प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड इंश्योरेंस ऑटो लगाकर ये बाइक 3,50,000 से 3,70,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तो रही दोस्तों बाइक के प्राइसिंग की बात। अब बात कर लेते हैं बाइक के फीचर्स के बारे में। फीचर्स में आपको इसमें सबसे पहले तो डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए, और जैसा कि आपको पता ही है कि आपको इसमें ट्रिपल नेविगेशन वाला फीचर भी देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और बाइक में दोस्तों कंसोल रहेगा सेमी डिजिटल, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ABS लाइट टाइम और फ्यूल गेज जैसे सारे बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। बाकी इस बाइक में कुछ एडवांस फीचर्स भी हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे रॉयल एनफील्ड की तरफ से, तो अभी उनके बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं हुई है। इसीलिए चलिए बात करते हैं अगली बाइक के बारे में, जो कि है होंडा की तरफ से आने वाली होंडा रेबल 300। दोस्तों आपको पता ही है कि फिलहाल में होंडा ने 2021 में 4-5 बाइकों को लॉन्च करा है इंडियन मार्केट में, लेकिन उन 4-5 बाइकों में वो बात नहीं है जो आपको होंडा रेबल 300 में देखने को मिलती है। इसीलिए इंडियन मार्केट में इस बाइक की डिमांड काफी ज्यादा है, जिससे होंडा को इस बाइक को आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च करना पड़ेगा। और वैसे भी ये बाइक आपको इंडिया में होंडा बिग विंग की तरफ से लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, और होंडा बिग विंग ने हमेशा ही इंडिया की डिमांड को देखकर बाइकों को लॉन्च करा है, तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये बाइक भी आपको आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। तो चलिए थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं होंडा रेबल 300 के बारे में। इस बाइक में 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन का यूज किया गया है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27.4 bhp की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर का। इस पावर के साथ होंडा रेबल 300 की टॉप स्पीड रहेगी 150 से 160 किलोमीटर पर आवर तक की। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में, तो आपको होंडा रेबल 300 में 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS रहेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए, और कंसोल इसका होगा राउंड शेप का फुली डिजिटल कंसोल, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक के बारे में बात करें तो आपको इस बाइक में 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे जब ये बाइक लॉन्च होगी। इस बाइक के दोस्तों टायर काफी ज्यादा वाइड होने वाले हैं बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी क्रूजर बाइकों से, और आपको बाइक के हर पार्ट में होंडा की तरफ से फुली LED लाइटनिंग का सेटअप मिल जाएगा। आपको कोई भी फर्दर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाइक में। तो चलिए बात कर लेते हैं बाइक के डायमेंशन के बारे में। इस बाइक के दोस्तों कवर वेट होगा 191 kg का, 125 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस होगी, और सीट हाइट होगी 690 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में जरा से भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और दोस्तों आपको बाइक में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, और ये बाइक आपको 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च के बारे में, कि आखिर होंडा रेबल 300 आपको इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। दोस्तों वैसे तो ये बाइक 2021 में आने वाली थी इंडियन मार्केट में, लेकिन आपको पता ही होगा कि फिलहाल में होंडा ने एक और रेबल को लॉन्च कराया, होंडा रेबल 250 को। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको होंडा रेबल 250 देखने को मिले होंडा
डिजायरेबल 300 के बदले। बाकी बाइक कोई से भी लॉन्च हो होंडा की तरफ से, अब वो आपको 2022 के स्टार्टिंग में या फिर मिड में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी अपने इंडियन मार्केट में। बाकी दोस्तों बात करें होंडा रेबल 300 के प्राइस के बारे में, तो लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 240,000 से 250,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस और आरटीओ लगाकर 270,000 से 280,000 के प्राइस पर। तो चलिए बात करते हैं अगली बाइक के बारे में, जो कि है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली अगली बाइक हंटर 350। दोस्तों ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी ज्यादा बार स्पोर्ट हो चुकी है टेस्ट राइडिंग के दौरान, और फिलहाल में ही इस बाइक को रॉयल एनफील्ड के डीलरशिप के पास स्पोर्ट करा गया था, जिससे पता चलता है कि दोस्तों ये बाइक आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है अपनी इंडियन मार्केट में। और आपको पता ही होगा कि काफी लोग इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सेगमेंट में आने वाली सभी बाइकों से बेहतर बाइक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस बाइक में सभी प्रीमियम पार्ट का यूज किया जाएगा जो आपको देखने को मिलते हैं रॉयल एनफील्ड की 650cc कैटेगरी की बाइकों में, और इस बाइक का प्राइस भी काफी रीजनेबल रखा जाएगा बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। तो चलिए बात करते हैं हंटर 350 के बारे में। दोस्तों रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एक स्क्रैम्बलर और एक क्रूजर दोनों ही कैटेगरी की बाइक होने वाली है, और इसकी सीट हाइट दोस्तों काफी कम होगी, जिससे शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और दोस्तों हंटर 350 में सेम मीटियोर 350 के इंजन का यूज किया जाएगा, क्योंकि अभी तक दोस्तों वो रॉयल एनफील्ड का सबसे ज्यादा रिफाइंड इंजन है, जिसको फिलहाल में ही क्लासिक 350 में भी यूज किया गया है। ये इंजन दोस्तों हंटर 350 के साथ मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20 से 21 bhp की, और दोस्तों इस पावर के साथ हंटर 350 की टॉप स्पीड होगी 120 से 125 किलोमीटर पर आवर की। और दोस्तों हंटर 350 में आपको वाइब्रेशन ना के बराबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बाइक में सभी प्रीमियम पार्ट का यूज किया जाएगा जो आपको दोस्तों इंटरसेप्टर 650 में देखने को मिलते हैं। और बात करें दोस्तों बाइक के फीचर्स की, तो आपको इस बाइक में सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और बाइक में 5-speed गियरबॉक्स होंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें सेमी डिजिटल कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि क्लासिक 350 की तरह इस बाइक में भी आपको रॉयल एनफील्ड का ट्रिपल नेविगेशन वाला फीचर मिल जाएगा। और दोस्तों इंजन किल स्विच भी आपको इसमें सेम पैटर्न वाला देखने को मिलेगा जो क्लासिक 350 और मीटियोर 350 में यूज किया गया है। बाकी बाइक की लाइटनिंग में दोस्तों इसके फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब का यूज किया जाएगा, बाकी बाइक के हर पार्ट में आपको LED लाइट का काम देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जिससे आपको दोस्तों आगे कोई भी फर्दर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बाइक के राइवल्स और कॉम्पिटिशन की बात करें, तो दोस्तों ये बाइक लॉन्च होने पर सीधा सीधा कॉम्पीट करने वाली है जावा 42 और होंडा CB350RS के साथ। तो अगर हंटर 350 एक रीजनेबल प्राइस पर लॉन्च होती है इंडियन मार्केट में, तो इस बात में दोस्तों कोई भी शक नहीं है कि यह इन दोनों ही बाइकों की सेल्स को इजीली डाउन कर देगी। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या हंटर 350 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में स्टैंड कर पाएगी बाकी सेगमेंट में आने वाली क्रूजर बाइकों के सामने, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलना। और बात रही दोस्तों बाइक के डायमेंशन की, तो हंटर 350 का डायमेंशन लगभग सेम रखा जाएगा जो आपको मीटियोर 350 में देखने को मिलता है, बस थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है बाइक के राइडिंग पोस्चर में। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं हंटर 350 के लॉन्च डेट के बारे में और इस बाइक के प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको मिड ऑफ नवंबर लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 170,000 से 180,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड ये बाइक इंश्योरेंस और आरटीओ लगाकर 190,000 से 210,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 3 क्रूजर बाइकों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इन तीनों ही बाइकों में से आप कौन सी बाइक का वेट करने वाले हो, और आने वाले टाइम में आप इन तीनों बाइकों में से कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।